ये आंदोलन तुम्हारा जायज है। सरकारी नौकरी मिली हुई है तो मिली हुई नौकरी से कार नहीं निकाल सकती सरकार, ये चाहे तो उसका नाम चेंज कर दे, किस नाम से करना है क्या करना है वो सरकार की सोच है, बेचारे काम ले आना इनसे, यंग लड़के हैं, जवान लड़के हैं, आप तो इनको भर्ती करा दो ना, करो ना, अगर काम करने के लिए मना कर रहे हैं। ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सब मजबूत हैं, और जो इनको काम बताया गया था, जो इनको ड्यूटी दी गई थी, कोर्स वोर्स सब पूरा करके, इंटरव्यू वेंटरव्यू सारे पूरे करके ये लगे हुए हैं, इसमें कोई कमियां है जिनसे दोबारा देख सकते हो, लेकिन इनको नौकरी से नहीं हटाए। नौकरी भी बहुत छोटी है, बहुत कम है, सिर्फ 17,000 ही नौकरी बता रहे हैं, तो बहुत मुश्किल और बड़ा काम नहीं है। मेरे ऑफिस में काम करता था लड़का, और उसने ये सारी कार्रवाई करी, तो वो भरतपुर का था, जाके नौकरी लग गया। मेरे ख्याल में किन का लड़का था वो, वहीं के किसी कौम का था, जाट नहीं था, मैं ये जानता हूँ, लेकिन वो जाके लग गया। आज उसकी नौकरी चली गई, क्या होगा उसका, वो नौकरी लगी, घर वालों ने उसकी शादी कर दी, अब क्या होगा, एक के बजाय दो हो गए वो तो। तो ये काम बड़ा गलत है, और इतने इतने लड़के जो अभी सामने चुनाव है, तो हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस वालों को मत घुसने दो, वो फालतू की उल-पुल बातें करेंगे और ये उल्टी गांठ बांधेंगे। इस सरकार से बात करेंगे, लोगों से कहेंगे, मनाएंगे। आप लोगों ने मेरे 8-10 MLA की तो डिजाइन भी ले रखी है बीजेपी वालों की सबकी, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, यही लगाएंगे। हमारा भी आंदोलन था, उसमें हरीश चौधरी रूलिंग पार्टी का MLA हमारे साथ मिला, और हम उसमें हमारे को कामयाबी मिली। तो कामयाबी विरोध करने से, गाली निकालने से नहीं होगी। दूसरी, मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनको मंजूरी दें, और इस तरीके के इन पर दबाव नहीं बनाए कि तुम खड़े हो जाओ, भाग जाओ, उठ जाओ, ये कोई पाकिस्तान से आए हुए थोड़ी है, हमारे राजस्थान के लड़के हैं। ये आपने एक जगह बैठने की बना रखी है, तो क्यों ना बैठे, यहाँ बैठ जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी आंदोलनकारी आए, आज के बाद में जो भी आए, जगह खाली है तो आके बैठ जाए, करें आंदोलन। क्या करेंगे, आंदोलन करने की जगह चारों पास बंद कर रखा है, एक गेट है इसका, आप गेट भी बंद कर दो बोली, लेकिन आंदोलन करने का अधिकार है, इनको दिखावे तो सही सरकार को बताने के लिए, और इनके पास कोई चारा नहीं है ना। तो ये अच्छी बात है, बात करेंगे, हम सरकार में भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों की नौकरी कंटिन्यू होनी चाहिए, तरीका सरकार अपने आप निकालेगी, तरीके सब है। इनके पास 5,000 बच्चे हैं, कोई बहुत ज़्यादा है भी नहीं, और सारे यंग हैं, सब काम करने वाले हैं, काम में ड्यूटी लगा के देखो, इनकी जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगाई सब काम पूरा किया इन्होंने, कोई उल्लंघना नहीं करी। तो ये देखने की बात है, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, ये कोई कांग्रेस सरकार के अंदर भर्ती हुए, नाम उन्होंने आपका रख दिया, राजीव गांधी, क्या नाम है, राजीव गांधी युवा मित्र, तुम तो अटल बिहारी वाजपेयी युवा मित्र कर दो ना, इनके क्या फर्क, मोदी युवा मित्र कर दो, इनके क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो सीएम साहब के नाम से कर दो, क्या नाम, भजनलाल जी युवा मित्र कर दो, हमें इन बातों से कोई लेने देना नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो नाम रख दो, लेकिन ये बच्चे नौकरी रहे, बहुत छोटी नौकरी है, काम कर रहे हैं, काम कराओ, काम के लिए कोई मना ही नहीं, और आगे बात जो भी होगी हम आपके सहयोग में और साथ में रहेंगे, साथ देंगे, और पुलिस वालों से भी बात करेंगे कि इनको परेशान नहीं करें, और इनको टेंट वेंट लगाने दें, और इस तरीके से इनको ज़्यादा परेशानी खड़ी नहीं करें। यहाँ पे राजा राम मेल, देखो ये गलत बात है, इसमें तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आम अनशन कोई हल नहीं है इस बात का, गलत बात है, ऐसा मत करो यार, ये मैं इसके फेवर में कभी नहीं हूँ, खुद की जिंदगी खराब करके तुम आंदोलन कर रहे हो, ये कोई बात थोड़ी है, सरकार है, सरकार आज जाके कल जाके परसों जाके कब तक अपन बैठे रहे, ये मत करो, मिल साहब की अपील पे तोड़ दो आप, मेरी हिसाब से देखो ये आंदोलन आमन आंदोलन खत्म कर दो, ये मत रखो आंदोलन करने का अधिकार है तुम्हारा, आंदोलन करो, रहो, पुलिस वाले भी करेंगे तो उनको समझाएंगे कि भाई ये हमारी जगह है, हम इसी देश के हैं, यहीं के हैं और यहाँ रह रहे हैं, इनको आंदोलन करने दो, सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बताएंगे, यही तरीका है सरकार को बताने का, और सरकार को ध्यान में आएगी बात, तो आप इस बात को देखो, ये क्या आंदोलन है, इनसे
मुझे साहब इनसे बात करो, देखो क्या 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 करते हैं, क्या सोच रहे, क्या विचार है इनका, ठीक है। तो अपने सरकार से लड़ाई लड़ के अपने आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि क्या सरकार से बात करें, पुलिस करें, और सबसे ये वायदा करें कि हमारे इन बच्चों को आगे कंटिन्यू करो इस नौकरी में, तो क्या आप और आपके परिवार वाले आगे आने वाले टाइम में जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे वैसे सारे के सारे बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे? सारे 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 के सारे वोट बीजेपी को डाल देंगे? चलो ठीक है, ये वही बात। मैं धन्यवाद।